तो भाई लग गई बुलेट वर्सेस R15 हो गई। ऐसे यार ये चेक करो भाई, ऐसे चक्कर में एक्सीडेंट होते एंड भाई ये चेक करो गाइस। ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ भाई, पहाड़ों वाले ऐसी वाइब्स आती हैं। बीच में सिंगल रोड जा रहा होता है, दोनों साइड से पेड़ रोड को कवर करे रहते हैं। बर्नआउट लगा दिया। What's up everybody? This is Faraz and welcome back to the FT Flames. तो भाई एक और व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी एक और राइड पर, अल्टीमेट हाइपर राइड पे। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम लोग रिकते हैं राइड पे एंड भाई बहुत बढ़िया तरीके से राइड करने वाले हैं एंड आप लोगों को आएगा बहुत बढ़िया वाला मजा यार। तो प्लीज़ वीडियो को तो पूरी देखना भाई विदाउट स्किप किए, क्योंकि आप लोगों को बहुत तगड़ी एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। विली और ये देख चेक करो, विली तो दिखेगी बट फ्लाई बाय देखो एंड ये देखो भाई रक्षित भाई को, भाई ये बंदा खड़े होकर चलाने में एक्सपर्ट है भाई, खड़े होकर लीन भी कर लेता है। एंड ये चेक करो भाई बुलेट वाले भैया भी क्रेजी हो गए। आज का सीन कुछ ऐसा भाई हाइपर राइड। तो भाई लग गई बुलेट वर्सेस R15 हो गई। ओ माय गुडनेस, तो भाई आज व्लॉग स्टार्ट होते ही क्रेजी राइड देखने को मिल गई रे। एंड भाई सबसे आगे चल रहे हैं हमारे डोमिनार वाले अनस भाई, फुल ऑन भगाते हुए जा रहे हैं अनस भाई भी। चलो जी अनस भाई को बीट किया जाए भाई, डोमिनार 400 cc का इंजन है, बीट करना भारी पड़ जाएगा। ये देखो 250R होंडा की भी यार अल्टीमेट पावर है भाई, क्रेजी पावर है भाई क्रेजी। भाई ये चेक करो रोड के बीच में गाय, भाई इनके दर्शन तो हो ही जाते हैं जब भी हम रोड पे निकलते हैं, गाय ना दिखे ऐसा तो बहुत कमी से होता है। बाकी यार ये बाइक में भी यार काफ़ी पावर है भाई, ये ओल्ड वाला वेरिएंट है, बहुत पुरानी बाइक है, इसके अंदर ABS भी नहीं आते बट भाई BS3 है शायद ये, लेकिन भाई पावर इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, पावरफुल है भाई गाड़ी में। एंड भाई रक्षित भाई कहाँ रह गए अपने, अच्छा इधर ही चल रहे हैं भाई, चलो बढ़िया है। एंड यार गाइस चेक कर सकते हो आज हम लोग जा रहे हैं JFR की तरफ, थोड़ी JFR में सोचा हम लोगों ने राइड करके आएंगे जाके बढ़िया करके एक इन्जॉय करेंगे। अरे ये चेक करो भाई इसी चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं, अगर भाई सामने से बंदा तेज़ आ रहा होगा ना भाई ये एकदम बाहर आ जाते हैं, तो इसी चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं यार। तो भाई ध्यान रखना चाहिए, छोटी सी लापरवाही बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकती है। बाकी हमारे डोमिनार वाले और 250R वाले भाई तो भाई आगे बहुत खींचते हुए जा रहे हैं भाई, मैं तो मजाक में ले रहा था इन्हें, मैं तो आराम आराम से चल रहा है एंड भाई ये तो भगाते हुए जा रहे हैं सही पावर के साथ में। भाई ये दोनों बंदे तो भाई जा रहे हैं फुल ऑन भगाते हुए, भाई मैं नहीं भगाता इस रोड पर क्योंकि गाय बकरी भैंस कुछ भी आ जाती है भाई, एंड इस रोड का पता नहीं कोई से इंसान भी निकल जाते हैं गाड़ी वोड़ी लेके कहीं से भी। तो भाई वेरी रिस्की, फोकस करके भगाओ गाड़ी को, चारों तरफ नज़र रखे, कौन कहीं से भी आ जाता है भाई, रिस्क नहीं लेने का किसी भी चीज़ में। भाई बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं पहाड़ी वाले रोड पे, ओ भाई मिट्टी पड़ी हुई है, ओ भाई मिट्टी पड़ी हुई थी, बाइक फिसलने का डर। गाइस यार चेक करो लीन चेक करो भाई, जम के चढ़ रही है भाई एकदम जम के इस रोड पे। ओ या बेबी इसे देखो भाई चेक करो, एकदम चलते चलते लाइन ही चेंज कर दी अगले बंदे ने भाई, ऐसे लोगों के चक्कर में याद से होते हैं अब क्या बोला जाए यार इन लोगों से, चलते चलते बंदा एकदम से ही लाइन चेंज कर देते हैं यार ये लोग, इनका यार क्या ही बोला जाए। बाकी काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस रोड पर आ रहे हैं JFR वाले पे एंड भाई ये चेक करो भाई देख रहे हो, सब्र नहीं होता भाई ऐसे लोगों को हॉर्न देने के बावजूद, चेक करो क्रेजी राइड भाई क्रेजी। पूरी राइड का एंजॉय दे रखा है भाई, फुल राइड में मजे दे रखे हैं मौसम ने। और चेक करो भाई पहाड़ देखो भाई कितना ही ऊंचा पहाड़ है, लेकिन यार ये कूड़े का है बस इतना फर्क है कूड़े का पहाड़ है, बाकी है काफी ऊंचा चेक कर सकते हो। एंड भाई इस गाड़ी में से रिएक्शन चेक करो, क्या तगड़े वाले रिएक्शन आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर में, देख लो बाइकर्स को ऐसे रिएक्शन मिलते हैं ऑलवेज। गाइस यार ये चेक करो आवारा सांड देखे थे बट आवारा ऊंट पहली बार देख रहा हूँ भाई, ने खाने को नहीं मिलता क्या, सूख गए भाई। ये
तो आवारा ऊंट रोड पे घूम रहे हैं भाई। ये जंगल के बीच में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं भाई, इतनी देर हो गई है जंगल के बीच में गाड़ी चलाते चलाते, बट ये रूट ख़त्म नहीं हो रहा भाई। जी एफ आर वाला रोड इतना लंबा मैंने कभी नहीं देखा, बट ये जी एफ आर वाला नहीं, ये आगरा एक्सप्रेस वे है, ये अपना सूरजकुंड वाला रोड है, तो हम इधर आ गए थे। बट भाई जंगल ही जंगल में भाई राइड करी हमने काफ़ी देर तक, सही भगा रहे भाई, लीन करते हुए जा रहे हैं, राइडर्स भी आ रहे हैं आपके साथ साथ, लेकिन भाई ऐसे रोड पे ब्रेकर भी हो सकता है, चेक करते हैं यार। ऐसे यार रूट देखो एक बार यहाँ के, क्रेजी रास्ता है यार ये भी अपने आप में भाई, खतरनाक रास्ता एकदम। ओह माय गुडनेस भाई, रास्ता तो यार अल्टीमेट है यार लिटरली भाई, थोड़ा रिस्की भी है बिकॉज आमने सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन जो भी कहो भाई रास्ता एकदम एक नंबर है भाई। एंड भाई एफ साइड वाले भाई को देखो भाई, लीन कर रहा है बंदा, ये क्रेजी। चलो यार थोड़ा आगे निकला जाए, चचा ने लीन खराब कर दी रे, चलो अच्छी बात है। भाई सही बैरिकेडिंग हो रखी है इधर तो, एंड भाई सही बता रहा हूँ रास्ता भाई अल्टीमेट है यार, अब शानदार व्यू आ रहा है भाई एकदम, ये बात। अब भाई व्यू के मजे लो, एंगल के मजे लो, यहाँ के नज़ारों के मजे लो, देख रहे हो ऐसा लग रहा है मैं कहीं पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ भाई। पहाड़ों वाले एफ सी वाइब्स आती है, बीच में सिंगल रोड जा रहा होता है, दोनों साइड से पेड़ रोड को कवर करे रहते हैं भाई, बहुत प्यारी सी वाइब्स आती है ऐसे रोड को देख के। बट यार रात में तो इस रोड पर आना इट इज़ वेरी रिस्की, बट जो भी कहो भाई दिन में अभी चल चल रहे हैं, लेकिन भाई मज़ा बहुत नेक्स्ट लेवल वाला आ रहा है। आराम से चलने में ही फायदा है इस रोड पे, क्योंकि तेज चलोगे तो भाई रिस्क है, क्योंकि सिंगल रोड है, आमने सामने से कोई भी आता जाता रहता है, तो भाई रिस्क लेना बेकार है। चेक करो सांप बना हुआ है भाई रोड, लेन करो भाई इस रोड पे तगड़ी करके, बहुत अमेजिंग रोड है यार गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार फ्रेंड, आप लोग इतने अमेजिंग से व्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। यार मैं आप लोगों को बताऊं, अभी हमारे साथ कुछ ऐसा सीन चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है अपनी, बहुत अल्टीमेट सी प्लानिंग चल रही है, तो आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, तो यार प्लीज स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहो, आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। अभी हम लोगों की प्लानिंग चल रही है एक लॉन्ग राइड की, और वो जो लॉन्ग राइड होने वाली है ना वो अपनी बहुत क्रेजी लॉन्ग राइड होने वाली है भाई, उस राइड का तो भाई मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, एंड बहुत अमेजिंग सी राइड होगी। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी हम कहाँ की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड भाई ड्रीम राइड की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग अपनी। बाकी ये चेक करो भाई सामने जेसीबी आता हुआ भाई, उठा देगा किसी को भी, रॉन्ग साइड मत जाना भाई। डांस चेक करो एक बारी भाई, सही से करना है, ये कोई डांस थोड़ी है प्यारा, मैं खुजली कर रहा हूँ यार तुम, ये है भाई सही बात है, अबे खुजली कर रहे हो यार तुम, अबे पहले डांस करना है बीच में जाके। दिल्ली में आ चुके हैं दोबारा से, दिल्ली के ट्रैफिक वाले रोड पे भाई, उत्तराखंड अपने छोड़ दिया भाई, उत्तराखंड छोड़ के वापस आ चुके हैं अपन लोग अभी। एंड भाई आज दिल्ली की चचा क्या कर रहे हो, लीन ऐसे होती है इधर को जाके नहीं। मेरे हेलमेट में ना टेप लगी हुई है, तो टेप ना किसी छूट गई, तो भाई हवा से ना वो टेप ऐसी आवाज़ कर रहा है, जूम ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है भाई मेरे कानों में सुपर बाइक की आवाज़ आ रही है। सही जुगाड़ है भाई, टेप काट के लगा लो, जब वो हवा से हिलेगा ना भाई तुम्हें फील जरूर देगा भाई वो सुपर बाइक की आवाज़ वाला, बॉम भाई ऐसे ही आवाज़ आ रही है सेम बिल्कुल। हो गई भाई, हो गई भाई, लग गई भाई। ओ भाई बहुत पावर है यार 250R के अंदर में, मेरे को तो लग रहा है एक ड्यूक 250 को भी बीट कर देगी अचानक, मतलब आराम से भाई, बहुत पावर है इस बाइक के अंदर में। इधर चेक करो भाई ट्रक वाला कहाँ घुसेड़ रहा है, रास्ता बंद कर दिया, वो कह रहा मैं ना जाने दूंगा किसी को आगे। सही है भाई हम तेरे साथ हैं, प्रोटेस्ट करो। एंड भाई ऐसी तैसी हो गई कमर की आज बैठे बैठे, भाई बैली डांस कर दो यार एक बारी, ये चेक करो भाई ये कौन सा डांस हो रहा है। भाई वहाँ उतर के डांस करना था, जनता देखती तो वो जाता भाई, रिएक्शन चेक कर लो एक बारी भाई के डांस के, लगेगा भाई रुक जाओ इतनी देर में, क्या आगे निकल जाओगे, रेड लाइट तोड़ के जा रहे हो क्या फायदा। एंड भाई अल्टीमेट सीन्स हो रखे हैं भाई, धूल चेक करो गाइस, तो भाई आंधी आ गई लग रहा है, सारी धूल यहीं आ गई भाई पूरी दिल्ली की, हो तेरी पूरी दिल्ली में हर जगह कंस्ट्रक्शन होता रहता है, तो यार इतनी धूल देखने को मिल जाती है। अभी हरियाणा के अंदर में तो भाई सही वेदर था, वहाँ का कोई धूल नहीं कोई पॉल्यूशन नहीं, बट इधर तो आप दिल्ली में घुसते हैं भाई देख रहे हो धूल कंस्ट्रक्शन कचरा बचड़ा पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाता है, रोड पे भी इतना कचरा पड़ा हुआ है भाई बहुत ज़्यादा। ओ माय गुडनेस, बर्नआउट लगा दिया।
ओ भाई क्रेजी सीन्स थे भाई, क्रेजी। ओह भाई भाई रिएक्शन बढ़िया आए थे भाई पब्लिक के, भाई क्रेजी रिएक्शन थे भाई बर्न आउट मारने के बाद। एंड भाई आज जनता बहुत हमें देख रही है, बड़े तगड़े तगड़े रिएक्शंस मिल रहे हैं आज अपन को। यहाँ चेक करो एक बारी, ओ माय गुडनेस अंधेरा। ओ तेरे भाई साहब डार्क वाइज आ रहे, एकदम अंधेरा अंधेरा लगने लग जाता है। वापस से दिन निकल चुका है, चेक कर लो भाई। मेरे जहाँ से हुई थी राइड की शुरुआत उधर ही को राइड की एंड हो जाएगी। अरे अनस भाई और अली भाई तो निकल चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम भी निकल जाते हैं यार, राइड कर ली अब उन लोगों ने बढ़िया से, अब घर की तरफ को जा रहे हैं। तो ये चेक करो भाई, कोई भी कहीं से भी कैसे भी ला रहा है भाई, किसी की कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कहीं से कैसे भी ले जाओ, अब्बा जी का रोड है। वैसे यार आज तो मतलब अलग ही रिएक्शंस मिल रहे हैं यार, जहाँ देखो वहाँ मुंडिया घूम रही है। आज हम कुछ अलग बन के आए क्या, जैसे रोज आते हैं वैसे ही आए भाई। आप लोगों को अगर ब्लॉग बढ़िया लगा है तो प्लीज़ यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो कर दो इसी मोमेंट पे लाइक। यार आप लोगों को ना मतलब ऐसे ही खतरनाक सी वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलती रहेंगी, मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।